पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने घोषणा की थी कि दिवाली के बाद पटाखे फोड़ेंगे। हमें लगता है कि पटाखे भीग गए और आवाज़ नहीं कर पाए। एक माहौल खड़ा किया गया के नवाब मलिक के बम ब्लास्ट के आरोपियों से संबंध हैं। मैं देवेंद्र जी, आप 1999 में इस शहर में शायद पहली बार आए विधायक बन के, और 62 साल के जीवन में इस शहर में आपसे पहले दिवंगत मुंडे साहब भी नेता थे जो दाऊद से लोगों को जोड़ते रहे। हम जब मंत्री थे उस वक्त भी दाऊद को लेकर मुंडे साहब के बहुत सारे भाषण विधानसभा में होते रहे, लेकिन इस 62 साल के जीवन में या लोक प्रतिनिधि बनने के 26 साल जीवन में इस तरह के आरोप कभी पे हम पर कोई लगा नहीं पाया। आज एक जगह को लेके आपने कुछ कागजात लोगों के सामने रखे, कि 1.5 लाख फुट जमीन ये कौड़ी मोल माफिया के जरिए हमने खरीदी। हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता, लेकिन आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है। आज तो सारी चीज़ें मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। लेकिन आरोप लगाया गया कि हमने 1.5 लाख फुट जमीन खरीद ली कौड़ी मोल में। देवेंद्र जी ने कहा कि जाली किराएदार उसमें बनाए गए। आप सभी जाकर देख लें, वो 1.5 लाख फुट जमीन पर एक मदीनतुल आमान नाम की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है जो 1984 में वहाँ इमारत बनी, गोवा वाला कंपाउंड के नाम से जानी जाती है, जिसमें मुनीरा पटेल ने रस्सी वाला को डेवलपमेंट राइट देके वहाँ पे 140 से 150 मकान बनाकर आम लोगों को बेचे। आज भी वो सोसाइटी वहाँ पर आए। उसके पीछे जो ज़मीन है उस पर बड़े पैमाने पे झुग्गी झोपड़ी है, और हमारा एक गोडाउन वहाँ पे है जिसकी सॉलिडस इन्वेस्टमेंट कंपनी की वो लीज पर, जो मुनीरा है उनसे वो लीज पर थी 30 साल पहले से, और आगे हमारी उसी प्रॉपर्टी में 4 दुकानें थीं। आप कह रहे हो कि फेक टेनेंसी क्रिएट की गई। बहुत सारे पत्रकार होंगे जब 1996 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और हमें लगता है शायद 9 नवंबर का ही वो दिन था, और महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाला नतीजा आया था जब नवाब मलिक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार उपचुनाव जीता था, और उस चुनाव का कार्यालय उसी गोवा वाली बिल्डिंग में था और जश्न भी वहीं मनाया गया था। 96 के आप जाकर मेरे कार्यालय के चुनाव के डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे तो वहीं से हमने चुनाव लड़ा था। हम किराएदार वहाँ पे थे। जो मुनीरा पलंबर है उन्होंने वहाँ पे झोपड़पट्टी थी,
मदीनतुल आमान नाम की सोसाइटी थी और उन्होंने हमसे संपर्क किया कि हम आपके पास जो गोडाउन है उसकी ओनरशिप हम या पूरी ओनरशिप देना चाहते हैं। हमने उनसे ओनरशिप ली। उनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी था सलीम पटेल, उससे हमने रजिस्ट्री की, वो सारे कागजात उपलब्ध हैं। किराएदार के नाते उस समय जो स्टैम्प ड्यूटी थी, जो कीमत थी, हमने अदा की, वो सरकारी दस्तावेज में उपलब्ध हैं। हमने मालकिन से ली, अगर वो किसी को कहती है कि ये मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी है, उससे आप पूरा आपका जो भी व्यवहार है वो पूरा कर लो, तो हमने वो पूरा करने का काम किया। देवेंद्र जी ने बढ़ा चढ़ा के बम ब्लास्ट का उल्लेख करने का काम किया, सरदार वली खान का उल्लेख करने का काम किया। शायद देवेंद्र जी को उनके मुखबिर बता नहीं पाए कि उसी गोवाला कंपाउंड में सरदार वली खान का आज भी घर है। पिछले 70 सालों से उसी गोवाला कंपाउंड में सरदार वली खान के जो पिताजी थे वो गोवा वाला परिवार के एक वॉचमैन की तरह वहाँ पर काम करते थे। और जब हमने संपत्ति गोवा वाला परिवार से ली तो 300 मीटर पे सरदार वली खान ने अपना नाम चढ़ा लिया था। जब प्रॉपर्टी को हम रजिस्टर करने गए, ये बातें सामने आई और हमने 300 मीटर का पैसा देकर उन्होंने जो अपना राइट क्रिएट किया था वो उनसे सरेंडर करने का काम किया। आज भी वो हमारे घर के पीछे ही, दो प्रॉपर्टी पीछे वो सारी जगह है, जो गोडाउन है वो भी वो हमारा वहाँ पर है, जो आगे इमारत है उसमें भी जो 4 दुकानें उस समय हमारी थी वो भी है, आज वहाँ पे किराए पे लगाई हुई है। जब प्रॉपर्टी ली तो आगे जो गोवा वाला बिल्डिंग है जिसमें 8 दुकानें नीचे, 8 घर ऊपर, ये सारी संपत्ति उस समय हमारी हुई। उसमें बाद में एक बियर बार था, मुसलमान होने के नाते समाज का दबाव होने लगा कि आपके संपत्ति में बियर बार है, वो बियर बार को भी ज़्यादा पैसा देके हमने सरेंडर करवाने का काम किया। और किसी भी तरह से कोई अंडरवर्ल्ड के दबाव में या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं, ये पूरी तरह से हम किराएदार थे। जो जगह की मालकिन थी वो चाह रही थी कि आप ये मालकी हक ले लो और हमने उनसे लिया। जो खान फैमिली थी, पठान फैमिली, जो वहाँ के वॉचमैन थे, उन्होंने अपना 7-12 पे नाम चढ़वा लिया था, उसे सरेंडर करने के लिए उन्हें पैसा देने का काम किया। और ये सच्चाई को देवेंद्र जी ने राय का पर्वत बनाने की कोशिश की। जो व्यक्ति 62 साल जीवन में इस शहर में कभी भी आरोप नहीं लग पाया कि किसी अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक के कनेक्शन रहे हैं, रिश्ते रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप जो भी एजेंसी है उसके सामने जाएंगे, जाइए, हम तैयार हैं। हमें लगता है कि झूठ का आडंबर खड़ा कर देने से किसी की प्रतिमा मलिन हो जाएगी, तो हमें लगता है देवेंद्र जी आपकी गलत फहमी है। जो कुछ है सारे दस्तावेज रजिस्ट्री ऑफिस में है, कंपनी का जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे सारे कागजात हैं, जो पैसे का लेन देन हुआ उसकी स्टैम्प ड्यूटी हमने भरी है। ये कह देना कि 20 रुपया फुट में लिया, हमें लगता है झूठ बोलो तो ज़रा ढंग से बोलो। हमें लगता है झूठ बोलकर नवाब मलिक जो पिछले 7 साल से आपसे लड़ रहा था,
पहली बार आपने इस तरह का आरोप लगाया, सरासर बेबुनियाद है। ना नवाब मलिक के किसी अंडरवर्ल्ड के लोगों से रिश्ते रहे, ना नवाब मलिक ने कभी बम ब्लास्ट के लोगों से कोई संपत्ति खरीदी। हाँ, वॉचमैन ने अपना नाम उस पर चढ़ा लिया था, उस वॉचमैन से नाम निकालने के लिए उन्हें पैसे देने के काम किया, ये सच्चाई है। जहाँ तक सवाल है देवेंद्र जी, आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है, तो आपको आज मैं कह रहा हूँ कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे, ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे, किस तरह से एक अंडरवर्ल्ड का सरगना जो विदेश में बैठकर इस शहर से उगाही करता था, वो सरगना किसके लिए काम करता था, वो अधिकारी किसका खास था। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आज जो मैंने कहा है वो बारी सारी बातें सामने हैं, लेकिन कल सुबह 10 बजे तक का इंतज़ार कीजिए। बम तो फूटा नहीं, लेकिन हाइड्रोजन बम कल सुबह 10 बजे गिरे। ओ दाखवा मी कुठलेही गैरप्रकारे कुणाचा वर दबाव निर्माण करून कुठलीही संपत्ती घेतलेली नाही, कुठल्याही अंडरवर्ल्डच्या माणसाकडून कुठल्याही संपत्ती कवडी मोल घेतलेली नाही। भाडे करू असताना मालकी हक साठी जे पैसे त्या मालकींनी मागितले ते पैसे आम्ही दिले। वॉचमॅननी स्वतःचा नाव चढून घेतला होता, त्या वॉचमॅनला नाव काढण्यासाठी आम्ही पैसे दिलेले आहे। याच्यात माझ्या कुठल्याही अंडरवर्ल्डशी कुठलाही संबंध राहिलेला नाही। मी कवडी मोल जमीन कुठेही घेतलेली नाही, या उलट या मुंबई शहरामध्ये देवेंद्रजीचे जवळची लोक प्लॉट हडप करण्याचे धंदे कुठल्या अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून करत होते, आणि कुठला आंतरराष्ट्रीय डॉन जो विदेशातून भारतात आला होता तो कुणासाठी काम करत होता, याची माहिती उद्या सकाळी 10 वाजता देऊ। सरदार खान जो है सरदार वली खान याचे वडील जी प्रॉपर्टी गोवावालेची आहे त्याचे वॉचमॅन होते, भाडं वसूल करण्याचं ते काम करत होते। त्यांच्या मुळे ते जे मालिक आहे ते तरस झाले होते, त्या सरदारनी 7 बारेवर स्वतःचं नाव चढून घेतलं होतं 300 मीटरवर। जेव्हा मालकींनी आम्हाला विकलं तेव्हा त्याचं नाव रिफ्लेक्ट झाल्यामुळे त्यांना आम्ही पैसे दिलेले, सत्य परिस्थिती आहे। आणि सलीम पटेल ह्या गोवावालेचे पॉवर ऑफ अटॉर्नी होते, आणि ज्या मालकनी पॉवर ऑफ अटॉर्नी यांच्याकडून व्यवहार करून घ्या त्यांनी सांगितल्यामुळे हे सगळे व्यवहार म्हणजे भाडे करू असताना मालकी हक घेण्याचं काम आम्ही केलेलं आहे। सर एक सवाल ये है, 2005 में ऐसा आरोप ये है कि 2005 में जो 20 लाख रुपए का फ्लैट आता था, 30 लाख रुपए में इतनी सारी जमीन कैसे आपने ली ये? हाँ, झोपड़पट्टी है, आप जाके देख लें, वहाँ पे 140 फ्लैट बने हुए हैं, आप जाके देख लें। वो मदीनतुल अमान जो सोसाइटी है वो डीम कन्वेंस का मुकदमा DDR के कार्यालय में चला, उन्हें हम कार आउट करके हमारी जो गोडाउन है उसका रास्ता छोड़ के उन्हें हम मालकी हक पे देने के लिए तैयार थे। मदीनतुल अमान के जो सोसाइटी के लोग हैं वो जो गोडाउन हमारा है, हमारी मालकी का है, हमारा किराए का पहले था, या जो आगे हमारी दुकानें हैं वो सब हमारी संपत्ति है, इस तरह का उन्होंने विवाद किया। उसका भी ऑर्डर DDR के कार्यालय से 2019 में ही हो गया है। ये ज़मीन 3 लाख फुट नहीं, इस ज़मीन पे ऑलरेडी 140 मकान बने हुए हैं, इस ज़मीन के अधिकांश हिस्से पे
झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, उसमें जो गोडाउन का पोर्शन है या आगे की एक छोटी सी 8 दुकान 8 मकान की इमारत है, उतनी ही अभी चीज़ें हैं। उसमें भी 6 दुकानें हमारे पास हैं जो पहले से 4 दुकानें थी, बाद में एक शराब खाना हमने खाली करा के लिया। उसके बाद 2 किराएदार जो पहले मंजिले में रहते थे उन्होंने भी टेनेंसी सरेंडर की, वो भी हम लोगों ने ली है। और पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी चीज़ें हमने की। लेकिन देवेंद्र जी, कोई भी नेता आप सीधे बम ब्लास्ट, दाऊद इस तरह से नाम जोड़ के आप मेरी प्रतिमा मलिन करने का काम कर रहे हैं। आपने कल भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि नवाब मलिक के दामाद के घर से गांजा बरामद हुआ। मेरी बिटिया आपको कल नोटिस भेज रही है। आरोप लगा के आप माफ़ी नहीं मांगते, उम्मीद करते हैं इस लड़ाई में आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे। नहीं, ये कड़े दिया कि वह CBI कड़े दिया, जे काही चौकशी है कुठले ही चौकशीला मी तैयार आहे। जे आज मी बोलतो ते सगळं जे घटनाक्रम है ते तसंच झालेलं आहे। NIA करतील, CBI करतील, त्यांना वाटत असेल की नवाब मलिक हे घाबरणार, पण नवाब मलिक घाबरणार नाही। मैं हसीना पारकर को जानता नहीं, ना मैं किसी गैंगवार वाले का किसका क्या रिश्ता है मैं नहीं जानता। सलीम पटेल एज ए पावर ऑफ अटॉर्नी जो गोवा वाले परिवार के थे, उन्होंने गोला वाले परिवार के लोगों ने हमें उनके जरिए ही आप ये रजिस्ट्री करके लो मालकी हक। किराएदार हम पहले से थे और मालकाना हक हमने लिया है। जो एक कहानी रचने के काम की जा रही है, हमें लगता है जांच कोई भी एजेंसी कर ले, हम किसी से डरने वाले नहीं। लेकिन कल सुबह 10 बजे जो हम बताएंगे, शायद उसका इंतज़ार देवेंद्र जी को होना चाहिए। नहीं, ऐसा है काही त्याच्यात चूक केली नाही। सलीम पटेल एब्सकॉन्डिंग किंवा ते कुखायत गुंड है असे मला कुठलीही माहिती नाही। सरदार खान याचे वडील त्या ठिकाणी वॉचमैन होते, हा स्वतः वॉचमैन होता, त्यांनी त्या जागेवर स्वतःचा 7 वारेवर नाम चढून घेतला होता। ते सरेंडर करण्यासाठी त्यांना पैसे देऊन 300 मीटर आम्ही सरेंडर करून घेतलेले आहे। हे बघा, असं 3 एकर असं बोलून चालत नाही। त्याच्यावर मदीनतुल आमान नावाची एक सोसायटी आहे, त्या 84 140 पेक्षा जास्त फ्लॅट तिथे आहे। ती सोसायटी आज तिकडे कार्यरत आहे। त्या सोसायटीचा आमचा डीम कन्व्हेन्ससाठी वाद झाला, 99 चालू, त्याच्यावर आम्ही त्यांना डीम कन्व्हेन्स करून तो सगळा भाग द्यायला तयार होतो। त्यांचा म्हणणं होता की गोडाऊन पण आम्हाला पाहिजे, सगळं संपत्ती आमची आहे। ते वाद घालतल्यामुळे ते त्यांच्या विरोधात निकाल गेला, ते हायकोर्ट जाऊ शकताय। पण जी सोसायटी आहे त्यांना मालकी हक्कांनी, जे त्यांना विकासकांनी हे सोसायटी बनवून दिलेली, याआधी या गोवाला कुटुंबियांनी डेव्हलपमेंट राईट त्यांना दिला होता, ते संपूर्ण जागा त्यांना आम्ही डीम कन्व्हिन्स देण्याची आमची तयारी पहिलेपासून होती आणि आज पण आहे। भाऊ, सलीम पटेल आणि सरदार मलिक खान यांचा बॉम्बस्फोटाची संबंध याची आपल्याला कल्पना होती का? असं आहे की सरदार पटेल हे बॉम्बस्फोटचा आरोपी हे जगाला माहीत आहे, पण तो तिकडे राहत होता, त्याचा बाप तिकडे वॉचमॅन होता। जर त्यांनी 7 वारेवर स्वतःचं नाव चढून घेतलं आहे, मग आमचा टायटल दुरुस्त करण्यासाठी त्यांनी पैसे मागितले, जी किंमत ठरवली ती जागा आमच्या पोझिशनमध्ये होती। त्यांच्या मालकीवर त्यांनी नाव चढून घेतला होता वॉचमॅन असताना, ते आम्ही त्याला पैसे देऊन ती मालकी आम्ही घेतलेली आहे। असा कुठल्याही कायदा नाही, जर तसा कायदा असेल तर त्यांनी कारवाई करावी। असं बघा, असं आहे आणखीन एक विषय ते वारंवार ते बोलत राहत आहे। माझ्या मुलांनी बँड्रा इथे नवेद
मोहम्मद अली आणि त्याची बहीण त्याच्याकडून घर घेतला 4.5 कोटी रुपयाचा. त्या काळामध्ये ही बातमी छापून आली की मोहम्मद अली खान याच्याकडून नवाब मलिकच्या मुलांनी घर खरेदी केलेलं आहे. ते घर सगळे कायदेशीर कारवाई करून ते घर आम्ही खरेदी केलं, पैसे दिले, स्टॅम्प ड्युटी भरला. आणि ते काही लोक सांगत होते तो आतंकवादी आहे. आता त्याच्या नवेद नावाचा पोरगा जो काँग्रेसच्या युवकांचा अध्यक्ष होता, त्याची बहीण ही एक बँकमध्ये काम करत होती, त्या लोकांनी घर विकलं आणि ते घर आम्ही जेव्हा खरेदी केलेलं आहे तेव्हाच ही बातमी काही लोकांनी छापली होती. आज मी बोलू इच्छितो, मोहम्मद अली खान यांचं निधन झालेलं आहे. मोहम्मद अली यांच्यावर एक मर्डरचा आरोप होता. नंतरच्या काळामध्ये त्या मर्डरमधून त्यांना एक्विटल झाला आणि त्याच्याकडून मी काही संपत्ती खरेदी केली नाही. त्यांची मुलगी जे बँकेत काम करत होती, नवेद नावाचा त्यांचा मुलगा, त्यांनी त्या काळामध्ये जवळपास 10-12 वर्षापूर्वी जी किंमत होती ते देऊन खरेदी केली. त्या कुठल्याही त्याच्यावर अटॅचमेंट किंवा कुठल्याही त्याच्यावर असं काही नसताना नुसता अंडरवर्ल्डशी माझा संबंध जोडणं, मला वाटते आता असंच जोडायचं असेल ते इक्बाल दाऊद कासकरचं घर कोकणातला हे सनातननी घेतलेलं आहे. मग सनातनचा दाऊदचा संबंध हे सांगावा काय? आता हे सगळे आरोप होत राहतील. जे काय इन्क्वायरी करायचं आहे त्यांनी करावा, पण नवाब मलिक थांबणार नाही. उद्या सकाळी हायड्रोजन बॉम्ब. थँक्यू.